So today we are going to start. We are going to start our next unit, unit number 6, which is general principles and processes of isolation of elements. And processes. Of isolation of elements. हमारे पास generally metals हो गई, आपके पास non metals हो गई. अब उनको कहाँ से extract करते हैं? We are extracting them from the core of earth. And after that you have to refine it, purify आप इसको करते हैं. बीच में क्या क्या आपके पास steps रहते हैं for the purification of metal, वो सब हम इस chapter में पढ़ेंगे, detail में पढ़ेंगे, right? So first of all, हमारे पास जो mode of occurrence है elements, किस किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं आपके पास, हम वो देखेंगे. वेट फॉर अ सेकेंड. व्हाट हैपेंड सक्षम मिश्रा? There is no issue. You can leave the class. If there is some problem in your mic or what you said, that camera, so you can leave the class. Okay. कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज नेटिव स्टेट एंड अनदर वन इज कंबाइंड स्टेट. ऐसे एलिमेंट जो हमारे पास बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव हैं, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, वो अकेले रहते हैं. जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आपका मॉइस्चर कंटेंट है उसके साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो है वो अकेले प्रेजेंट रहते हैं. ना उनके ऑक्साइड्स होते हैं, ना उनके कार्बोनेट्स होते हैं, ना उनके सल्फाइड्स होते हैं. दे They are present in native state, right? So, right? That the elements which have very low reactivity, ऐसे elements जिनकी reactivity बहुत low होती है, बहुत कम होती है, and they are not attacked by oxygen or air, moisture, carbon dioxide or any content present in that atmosphere. They are always present in free state, right? And that free state is known as नेटिव स्टेट. उस फ्री स्टेट को हम क्या कहते हैं? नेटिव स्टेट कहते हैं. जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव आपके पास एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं. हम इस चीज के बारे में पहले बात करते हैं कि अगर ये अनरिएक्टिव हैं या बहुत लो इनका रिएक्टिविटी है, तभी हम इनके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तभी हम इनको पहनते हैं. अदरवाइज किसी और मेटल के अगर हम ऑर्नामेंट्स बना लें, गहने बना लें, तो क्या होगा? हो सकता है भाई कोरोजन वगैरह की पॉसिबिलिटी होती है. जैसे सिल्वर भी है हमारे पास, सिल्वर इतना ज्यादा भी अनरिएक्टिव नहीं है, रिएक्ट करता है. वो ब्लैक हो जाता है उसका सरफेस, जब आप खरीद के लाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, शाइनिंग मटेरियल आपके पास होता है, बट जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं या एक्सपोज करते हैं एनवायरमेंट पे, तो क्या हो जाता है,
उस पे ब्लैक सी लेयर आ जाती है, और वो ब्लैक सी लेयर किस वजह से होती है? Do you have any idea कि वो ब्लैक लेयर किस वजह से होती है? टेंथ का क्वेश्चन है कि भाई आपका सिल्वर जो है आफ्टर सम टाइम ऑफ यूज वो ब्लैक कलर का लेयर उसके ऊपर आ जाता है, एनी आइडिया? बताएंगे ऐसा क्यों होता है किसी को पता? बताओ भी निशांत, सुपैया, एक तो आपके कैमरास बंद होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया कि भाई आपके पास जो सिल्वर है आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर ब्लैक लेयर क्यों आ जाती है? मैम वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं उसका रिएक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके ये आपके पास सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करता है और आपके पास बनता है दिस सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड बनता है उसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे भी है जैसे कॉपर है, कॉपर क्या है, रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव? कॉपर भी एक रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा तो नहीं आप कह सकते। जैसे आपके पास यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वर्तन है कॉपर के, तो क्या होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर कंटेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है ना वो, और उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, उसका जो लस्टर होता है वो खत्म हो जाता है। जब आप खरीद के लाते हैं ना कॉपर के कोई भी चीज ऑब्जेक्ट आप आइटम खरीद के लाते हैं तो बहुत कैसी होती है, शाइन वाली होती है, बट आफ्टर सम टाइम जब आप एक्सपोज करते हैं उसको, पानी वानी से धोते हैं उसके बाद उसको रखे रखते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर दिखती है ना आपको। इट मीन्स कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्टिव है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो अनरिएक्टिव है। जो रिएक्टिव है वो कंबाइन फॉर्म में मिलेंगे और जो अनरिएक्टिव है वो कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट, दे आर नोन एज मींस यू कैन से दैट दे आर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, क्लियर है? तो सिल्वर भी इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, एक बार बन जाती है उसके ऊपर ब्लैक सिलियर, बाकी उसका कोई डिके नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे आयरन हो गया आपके पास, आयरन कॉन्टिन्यूसली जब आप उसको एक्सपोज करेंगे टू द एयर और मॉइस्चर तो क्या होता जाएगा, उसका डीके होता जाएगा, मेटल डिट्रॉय हो जाती है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स दैट मेटल इज व्हाट, रिएक्टिव इन नेचर, बट दैट रिएक्शन इज नॉट वेरी मच फास्ट। वो जो आपका रस्ट फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है कि इमीडिएटली हो गया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं है वो, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्लियर है? यस मैम। तो अनदर वन इज व्हाट, दैट द कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स व्हिच आर वेरी मच रिएक्टिव एंड हैव अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो भी हमने बोला उनके साथ कंबाइन हो जाता है, एंड सच मेटल्स या सच नॉन मेटल्स या सच एलिमेंट्स आर always occurred in combined state, clear है? तो अर्थ के क्रस्ट में वो आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, दे आर ऑलवेज इन द कंबाइंड स्टेट। तो अगर हमने वहां से मेटल को क्या करना है, वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, तो हमें उसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोसेस कराना पड़ेगा, और उस प्रोसेसिंग में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, क्लियर है? तो उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, मिनरल्स और ओर्स के बारे में। तो कौन बताएगा मुझे मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं? पढ़ा हुआ है ना कभी मिनरल्स क्या हैं और ओर्स क्या हैं? बोलो भाई रिबू, मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं? रिबू है क्लास में?
श्रेया आप बताएंगे मुझे कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओट्स क्या होते हैं। यस मैम, मिनरल्स आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। ओके, और ओट्स क्या होते हैं बेटा? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है कितना कितना परसेंटेज उनका है हमारे पास। तो अगर हम सिर्फ एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है ना वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। आपसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा जाता है वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि भाई आपके पास अर्थ के क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा परसेंटेज में है, तो दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर है? ऑक्सीजन हमारे पास है 49.5%। ऑक्सीजन इज 49.5%। और अगर हमसे ये बात करें कि मेटल कौन सी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आपके अर्थ के क्रस्ट पे, तो दैट इज एल्यूमिनियम। दो चीजें हैं हमारे पास। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में हमारे पास देखिए मेटल्स भी आएंगे, नॉन मेटल्स भी आएंगे, सब आएंगे हमारे पास। तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और सिर्फ अगर मेटल की बात करें तो मेटल में हमारे पास कौन सी मेटल सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है इन द अर्थ क्रस्ट, दैट इज एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट वन। एलिमेंट ऑक्सीजन है, और मेटल आपके पास एल्यूमिनियम। क्लियर है? ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास सिलिकन आता है। तो सिलिकन बताइए मुझे, मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड? सिलिकन। सिलिकन इज अ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड? सिलिकॉन बताएंगे आप मुझे, सिलिकॉन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड? राइट, इज इट राइट? तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात करें तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे पे सिलिकॉन है, तीसरे पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, सो ऑन। ऐसे ऐसे करके आपके पास और भी बड़े सारे एलिमेंट्स जो है वो थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में क्या है, प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ अगर एलिमेंट की बात करेगा, अगर ऐसा कह देगा कि सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो दैट इज ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सी है, दैट इज एल्यूमिनियम। क्लियर है? और सीक्वेंस पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो पहले नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, दूसरे पे सिलिकॉन है, और तीसरे पे क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम। इज इट राइट? यस मैम। जो आपके अर्थ के क्रस्ट में मेटल्स प्रेजेंट है ना, जनरली हम उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स के। ठीक है, क्या कहते हैं आप उनको, मिनरल्स के। अब मिनरल जैसे मान लो मेरे पास कोई मेटल है, जिंक है, जिंक के सल्फाइड्स भी होंगे, जिंक के ऑक्साइड्स भी होंगे, जिंक कार्बोनेट भी होगा, बहुत सारी ऐसी हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में जिंक जो है वो प्रेजेंट। अब हमें सब कुछ मिल गया अर्थ के क्रस्ट में, हमने डिगिंग वगैरह की, जैसे भी हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि मुझे प्रोसेसिंग करानी है, जिंक कार्बोनेट से भी मुझे जिंक क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक सल्फाइड से भी करना है, जिंक ऑक्साइड से भी करना है। तो हम वहां पे ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिंक मुझे कहाँ से मिलेगा, एक चीज। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिकली पैसा किसमें क्या कम खर्च होगा, टाइम किसमें कम लगेगा, प्रोसेसिंग का जो टाइम पीरियड है वो किसमें कम होगा। तो इन तीनों में से हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास जिंक कार्बोनेट भी है, जिंक ऑक्साइड भी है, जिंक सल्फाइड भी, मुझे तीनों से जिंक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे जिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा, मुझे जिंक तीनों से मिलेगा। बट तीनों में से इकोनॉमिकली
मुझे कहाँ से इजीली मुझे कहाँ से जिंक जो है वो मिल रहा है, कम टाइम में मिल रहा है, मुझे कम टाइम लगाना पड़ रहा है प्रोसेसिंग के लिए। मान लीजिए मुझे जिंक सल्फाइड से जिंक इजीली मिल रहा है, कम पैसे खर्च करने से मिल रहा है, तो उसी मिनरल को हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर मेटल का ओर कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात कि मिनरल्स तो बहुत सारे होंगे, अब इकोनॉमिकली और इजीली आपको मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है उन मिनरल में से, उसी को उस मेटल का क्या माना जाता है, ओर माना जाता है। समझ रहे हैं, जैसे आपके पास आयरन है, आयरन के भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो उनमें से किससे आपको इजीली आयरन मिल रहा है, आयरन आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वही उस मेटल का क्या होता है, ओर। राइट, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स। देखिए, मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन विच मेटल occur in earth's crust, in which metals occur in the earth's crust, and the ores are the minerals, ores are the minerals ores are the minerals from which the metal can be economically and conveniently extracted. And the minerals from which the metal can be economically and conveniently extracted. Are called ores, right? अब क्वेश्चन यहां से ये आता है, ऑल द मिनरल्स आर ओर्स, लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख दिया आपने? यस मैम। यस मैम। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने ना एग्जांपल देके समझाना है, ठीक है? ऑल द मिनरल्स आर ओर्स but all the ores are not minerals. पढ़ा हुआ ना कभी पहले ये क्वेश्चन? हाँ बच्चा, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा है? देखो, अभी हमने आपको बोला, एक एग्जांपल दिया था कि जिंक जो है ना, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उनमें से आपका है वो मिनरल, उनमें से कोई भी और हो सकता है, उनमें से कोई भी और हो सकता है, वो सल्फाइड से भी निकाल सकते हैं आप जिंक को, कार्बोनेट से भी निकाल सकते हैं, ऑक्साइड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट इकोनॉमिकली किससे मिल रहा है, वही और होगा, मतलब सारे के सारे मिनरल्स और हो सकते हैं, ठीक है, बट जो और है वो मिनरल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है ये, समझ पा रहे हैं?
यस मैम, कि गलत लिखा मैंने? बताइए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है कि सही लिखा है। उस एग्जांपल को लीजिए और उस एग्जांपल को देख के मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया वो सही है या गलत है। बोलिए, देखिए हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को रेक्टिफाई करिए, ठीक है। देखिए, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, रेक्टिफाई दिस थिंग, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, समझिए, रेक्टिफाई दिस वन। All the ores are sorry, I found it. आपके थोड़ी बहन तुम क्लास लगाने बैठे कि मजे करने? क्लास में ना फालतू की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं है। सुन रहे हैं आप? अरे क्लास लगाने बैठे हैं, 10 तो तुम्हारे पास लोग बैठे हैं, और क्या क्लास लगाते हैं आप लोग? All the ores are minerals, but all the minerals are not ores. कहते justify the statement. Example देना है आपने और फिर इसको justify करना है, right? जैसे हमारे पास aluminium है, एल्यूमिनियम हमारे पास, देखिए बॉक्साइट भी है उसका, और सॉरी वो दो मिनरल्स है हमारे पास एल्यूमिनियम के, एक बॉक्साइट है और एक हमारे पास क्ले है, वन इज बॉक्साइट एंड अनदर वन इज क्ले। तो उन बॉक्साइट और क्ले में से हम इकोनॉमिकली या कन्वीनियंटली एल्यूमिनियम को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं? बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए आपका जो ओर माना गया है एल्यूमिनियम का, दैट इज बॉक्साइट। मिनरल दो है एल्यूमिनियम के, दो मिनरल्स हैं। एग्जाम्पल देखे ही आप इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास और कोई इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप नहीं दे पाएंगे। वो वाला सॉल्यूशन जो है वही एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एल्यूमिनियम के दो मिनरल्स हैं, वन इज बॉक्साइड, ये मिनरल्स हैं, ठीक है, वन इज बॉक्साइड एंड अनदर वन इज क्ले, बट एल्यूमिनियम इज एक्सपेक्टेड from bauxite because it's an ore, ठीक है। तो ये ore जो है, पीछे की तरफ चलेंगे, ये ore जो है वो mineral है, चाहे जो मर्जी ore हो, वो mineral तो होगा ही होगा, but सारे के सारे minerals ore नहीं हो सकते। मतलब जो clay आपका एक mineral कह रहा है, कि aluminium का एक जो हमारे पास मिनरल है वो क्ले भी है, बट क्ले से हमें ओर नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ से ये चीज बता सकते हैं कि सारे के सारे ओर्स मिनरल्स तो होते हैं, बट सारे के सारे जो मिनरल्स, सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं होते। अच्छे से समझना है इसको, फिर एक्सप्लेन करना, क्लियर है? Yes, ma'am. कि बॉक्साइट और क्ले मिनरल्स तो है, बट उनमें से सिर्फ बॉक्साइट ही एक ओर है,
क्लियर है, जहां से हमें एल्यूमिनियम इजीली मिल जाता है। क्लियर है इक्वेशन जो है आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हम कुछ हमारे पास मेटल्स दे रखी हैं, उनके हमारे पास कोर्स दे रखे हैं, क्लियर है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, उस पूरे के पूरे टेबल को तो हम याद नहीं करेंगे, कुछ कुछ जो हमारे पास ओर्स हैं हम उनको लर्न करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं कि कौन सी मेटल है और उनके कौन कौन से प्रिंसिपल ओर लिखेंगे हम सबसे पहले, और बाकी जो होंगे वो उसके क्या होंगे, मिनरल्स। द फर्स्ट वन इज, ये वाला कॉलम आप मेटल के लिए बनाइए, फॉर्मूलाज नहीं करेंगे हम लोग, इनके फॉर्मूलाज आप नहीं करेंगे, एक तो कॉलम फॉर्मूलाज के लिए भी है वो नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे मिनरल्स लिख लो, जो सबसे ऊपर लिखोगे ना मैं किसी मेटल का, वो ओर होगा, बाकी सारे क्या होंगे उसके, मिनरल्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का हमारे पास है बॉक्साइट, then clay, then feldspar, then we have cryolite, yes, cryolite. तो ये आपके पास एल्यूमिनियम के क्या है, मिनरल्स हैं, जिनमें से बॉक्साइट क्या है उसका, ओर, राइट, इज इट राइट? यस मैम। आपको ना देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं आपसे सिर्फ बॉक्साइट ही पूछे कि भाई बताइए बॉक्साइट इसका ओर है, आपसे ये भी पूछ सकता है फेल्डस्पार में कौन सा आपके पास मेटल है, या क्रायोलाइट में कौन सा मेटल, क्लियर है? Yes, ma'am. तो एक्सट्रैक्शन तो कहीं से भी पॉसिबल है, एक्सट्रैक्शन हम एल्यूमिनियम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आयरन, आयरन का हमारे पास लिखते जाइए, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पाइराइट है, लिमोनाइट, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, लिमोनाइट है, लिमोनाइट है, और आयरन पाइराइट। हिमेटाइट याद करने हैं आपने, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट, राइट। ये किसके आपके पास ओर्स हैं या मिनरल्स हैं, दैट इज ऑफ आयरन, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज कॉपर, कॉपर पे लिखे गए आप, कॉपर ग्लास है, कॉपर पाइराइट्स है, मेलाकाइट है, या मेलाचाइट जो भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अनदर वन इज ड्यूक्राइट एंड एज्यूराइट, कुछ तो है जो नाम से पता चल जाएंगे, कॉपर, कॉपर ये ड्यूक्राइट, बाकी आपको दो जो हमें वो याद करने पड़ेंगे, क्लियर है, किसके हैं वो, कॉपर के आपके पास मिनरल्स, कॉपर के ओर्स, राइट। अनदर वन इज जिंक है, यहां से आपको पूछा जाता है जिंक ब्लेंड है, बताइए किसका आपके पास ओर, जिंक
zinc blend in. So another one is calamine, zincide, calamine. ये रहने दीजिए, आप कैलामाइन करिए एक बस, दैट्स इट. बुलाते हैं ना जब आपको सनबर्न वगैरह हो जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ से मतलब चल गया कहीं से चल गया, तो वो आपको एक लोशन देता है पिंक पिंक जैसा, वो कौन सा लोशन है, दैट इज कैलामाइन. उसमें क्या होता है आपके पास जिंक प्रेजेंट हो. क्लियर है? यस मैम. तो अनदर वन इज मैग्नीशियम. इसका है हमारे पास पायरोलुसाइड एंड ब्रोनाइड. इट्स नॉट मैग्नीशियम, इट इज मैंगनीज. मैंगनीज है हमारे पास, इसका और जो है दैट इज पायरोलुसाइड. And the another one is this. पूछ सकते हैं, बताइए किसका और है, याद होना चाहिए. कल को ये टेबल याद होना चाहिए. ठीक है? Yes ma'am. So another one is calcium. Calcium के लिए लिखिए limestone and gypsum. The next one is magnesium के लिए है magnesite and dolomite. Dolomite पूछता है आपसे. Dolomite की बात आपसे competitive exams में भी कर सकता है कि dolomite बताइए किसका आपके पास ओर है या mineral है, तो that is of magnesium. देखिए magnesium के one is magnesite and another one is dolomite. Important. चलिए आगे देखिए, द अनदर वन इज लेड. लेड का आपके पास एक गैलेना है ओर, और एक है टेरियोसाइट. टेरियोसाइट जो भी मर्जी बोलिए आप इसको. गैलेना पूछता है आपसे कि गैलेना बताइए किसका ओर है, तो गैलेना आपके पास लेड का ओर. Another one is next one is silver. Silver glands है, horn silver है, ruby silver. Silver का arsenide या फिर इसको आप क्या कहते हैं, दैट इज सिल्वर ग्लांस. हॉर्न सिल्वर एंड रूबी सिल्वर. And the last one is for mercury. This one is very very important. यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, सिनावार बताइए किसका आपके पास ओर है, तो दैट इज ऑफ मर्करी, सिनावार. तो ये हमने कुछ मेटल्स लिखी हैं और उनके ओर्स लिखे हैं, ये आपने कल के लिए याद करने हैं. याद होने चाहिए आपको. चलिए आगे आ जाइए. आगे हमारे पास जो टॉपिक है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है,
वो प्रोसेस जिसमें हमने हम अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज नोन एज मेटलर्जी. क्या कहते हैं हम उसको? मेटलर्जी कहते हैं. और कुछ ऐसे इंजीनियर्स भी होते हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, या हमारे पास एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स. ठीक है, जो इस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर्स. तो द प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर मिनरल्स, दैट प्रोसेस इज व्हाट? दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी. क्लियर है? वेट फॉर अ सेकेंड. अब देखिए, जो हमारे पास ओर है या जो मिनरल्स आपने अर्थ के क्रस्ट से क्या करे हुए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं, अब उनमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, कंटेमिनेटेड होंगे विद इम्प्योरिटीज. ऐसा नहीं कि प्योरिफाइड फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा, तो आपको प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी उसकी. और जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हम क्या कह देते हैं, इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट विद द मिनरल्स और ओर्स आर नोन एज, विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द Earth's crust, that is known as gangue or matrix. क्या कहते हैं उन impurities को? Gangue कहते हैं या फिर matrix कहते हैं. तो एक number का question कि gangue क्या है? और matrix क्या? क्या लिखेंगे आप? ये impurities हैं आपके पास. These are impurities. These are the impurities which are present or yes, which are present with the metal or with the minerals or with the ores which are extracted from Earth's crust. ठीक है, impurities हैं basically. अब इन impurities को हमें हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें कैसे processing करानी पड़ती है? We have four steps. To process the metal, to extract, for the extraction of metal, the first one is crushing या grinding. लिखेंगे the steps which are followed in the metallurgical operation. The first one is crushing and grinding of the ore. Crushing and grinding of the ore. Second one is concentration of the ore. Concentration or benefaction we get this for. Benefaction of the ore. The third one is extraction of crude metal from concentrated ore. Extraction of crude metal from concentrated ore. And the fourth step is purification of refining, purification or refining of metal. ठीक है, तो हमारे पास चार मेजर स्टेप्स हैं जिनसे हम मेटल को क्या कर सकते हैं, प्योरिफाइड मेटल हमें एंड में मिल जाती है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज व्हाट? क्रशिंग हो गया और ग्राइंडिंग हो गया. द सेकंड वन इज कंसंट्रेशन हो गया, ओर का कंसंट्रेशन करना होता है हमें. कंसंट्रेशन मतलब ओर बढ़ाना होता है, इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव करनी होती.
The third one is what? It is आपको extract करते हैं आप crude metal को from concentrated ore. Metal आप crude metal अभी तक purified नहीं है. Clear है? और जो fourth step है उसमें आप क्या करते हैं? Purification करते हैं या फिर refining आप उसको कहते हैं. That is of metal. तो जब आपके पास मेटल को अर्थ के क्रस्ट में से निकाला जाता है, कोर में से निकाला जाता है, तो बड़े बड़े लंप्स में होता है, बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, उसको क्या करना पड़ता है? क्रश किया, उसको ग्राइंड किया. जैसे हम कोल की बात में, मतलब मेटल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कोल की बात कर रही हूँ. कोल जब हमें मिलता है तो कैसे मिलता है? बड़े बड़े लंप्स में मिलता है. ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसके. अब मुझे एक्टिवेटेड चारकोल की अगर बात करनी है तो एक्टिवेटेड चारकोल ना ऑलवेज इन पाउडर फॉर्म, तो उसको क्या किया होगा? ग्राइंड किया होगा, क्रश किया होगा. तो जब ऐसा किया जाता है, आपके बड़े बड़े लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, क्रश्ड फॉर्म में उसको क्या किया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो उस प्रोसेस को ना हम पल्वराइजेशन भी बोलते हैं. ये मुझे लगता है कि ये वाला जो टर्म है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोल है, कोल को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ कोल, पल्वराइजेशन ऑफ कोल. तो इसी तरह से हमारे पास मेटल है, मेटल के बड़े बड़े लम्स को आपने ग्राइंड कर दिया, पहला स्टेप क्रश कर दिया, तो दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ओर. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, अब वो पल्वराइज तो कर दिया आपने, उसको ग्राइंड तो कर दिया, बट ग्राइंड जब आपने किया है तो आपने इम्प्योरिटीज थोड़ी रिमूव की. अब जैसे हमारे पास हम चावल बनाते हैं ना घरों में, बनाते हैं ना आप लोग दोपहर में बनाते हो, उसमें कुछ जैसे धान के वो छिलके विलके रह जाते हैं, मतलब प्योरीफाई तो नहीं होता, छांटना तो पड़ता है ना आपको. आप दाल बना रहे हैं या आप चावल बना रहे हैं तो करना पड़ता है ना, ऐसे मम्मी थाली में लेती है फिर ऐसे ऐसे करती है उसको, देखा कभी? Yes. तो चावल मान लीजिए कि आपके पास मेटल है और मान लीजिए अभी तक आपके पास ओर है और उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है? पत्थर भी हो सकते हैं, उसमें इम्प्योरिटीज आपके पास अनदर दैट धान के छिलके भी हो सकते हैं, होता है ना. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी, आपको चावल चावल रखते हैं, आपको उन दूसरी चीजों से तो मतलब है ही नहीं, तो आप क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं ना, निकाल देते हैं. यस मैम. तो द सेकेंड ऐसा ही प्रोसेस हम कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम ओर को. मतलब चावल ज्यादा हो, धान वान के छिटके अलग हो, वो पहले भी प्रोसेसिंग कराई जाती है. जब वो खेत में से निकाले जाते हैं ना, वो चावल धान निकाले जाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होती है ये चीज, हमारी साइड तो होता नहीं ऐसे. या फिर जब गेहूं वगैरह निकाला जाता है क्या होता है उसमें? लाते हैं ना थ्रेशर लाते हैं, फिर गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं, जो आपका मतलब हे है वो अलग हो जाता है. मतलब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद भी उसको फिर क्या करा जाता है? उसको पंखे के आगे ऐसे ऐसे किया जाता है, फिर वो जो लाइटर इम्प्योरिटीज हैं, वो जो छिलके विलके हैं, वो और निकल जाते हैं. स्टिल जब आप उसको पिसाने के लिए छोड़ते हैं, फिर भी आपको उसको एक बार क्या करना पड़ता है? छांटना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे दे देते करते. आपने देखे होंगे ये प्रोसेस, है ना, सब लोगों ने देखे होंगे. हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा, और मैक्सिमम लोग जो क्लास में बैठे हैं ना, उन्होंने ये चीजें देखी. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो that is concentration of what? गेहूं है ना. उसी तरह से हम अपनी मेटल को भी क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और ज्यादा हो और इम्प्योरिटीज उसमें से हम निकालना चाहते हैं. तो यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज है टू कॉन्सेंट्रेट द ओर. उसमें से एक हमारे पास, जैसे हमने बोला कि भाई चावल में क्या है, कंकड़ है, पत्थर है, या फिर धान बांध के वो है, तो उनको हम क्या करते हैं? हाथ से इस तरह से आराम से उठा सकते हैं ना. तो अगर ओर में ना हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं, तो वन मेथड विच इज यूज इज हैंड पिकिंग मेथड. कैसे हम उसको निकाल सकते हैं? हैंड से पिक करके. बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज अगर आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि मेटल ना होके या ये ओर ना होके क्या इम्प्योरिटी है, तो आप उसको उठा के साइड में रख सकते. तो दैट इज व्हाट, दैट इज वन मेथड विच इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज हैंड पिकिंग मेथड. ठीक है,
अब हैंड से पिक कर दिया आपने, अब बहुत सारी चीजें जो उसमें रह जाती है, तो फिर क्या करते हैं, पानी से धोते ना उन चावलों को, देखा एक बार तो हाथ से आपने वो कर लिया, उनको छांट लिया, उसके बाद क्या करें, पानी डालते हैं ना, पानी डालने से क्या होता है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है, धान के छोटे छोटे छिलके होंगे वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन मेथड टू कॉन्सेंट्रेट द ओर और टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम दैट ओर, ठीक है। उसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं कि पानी से वॉश किया, पानी से वॉश करने के बाद फिर कैसे निकालते हैं उसको, टिल्ट करते हैं थोड़ा सा थाली को, ऐसे टिल्ट करते हैं, स्लैंड करते हैं। तो उसी तरह से आपकी बुक में दे रखा होगा, पर वहां पे चावलों वाला कोई एग्जांपल नहीं है, वो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आपने ये प्रोसेस अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो हो सकता है आपको याद रह जाए अगर हम उस चीज से रिलेट करें, अदरवाइज तो मैं पढ़ा दूंगी कि ऐसा किया ना। तो पहला मेथड हैंड पिकिंग हो गया, दूसरे में हम क्या करते हैं, पानी से उसको हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं उसकी, क्लियर है। और वॉशिंग से जो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो पहला प्रोसेस है वो समझ आ गया। यस मैम, यस मैम। इसमें कह रहा ना, देखो हमारे पास कह रहा है कि हम ग्राइंडर या क्रशर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने जो फर्स्ट वाला स्टेप है उसमें कह रहा है कि या तो हम ग्राइंडर ले सकते हैं या फिर हम क्रशर ले सकते हैं, उससे हम उनको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइज। आपने वो देखी ना सीमेंट जिसमें मिक्स करते हैं, आप देखा है वो वाला मशीन, देखी है सीमेंट जो मतलब जब सीमेंट या रेलवे सब मिक्स करते हैं, मिक्सचर बोलते हैं ना हम उसको, मिक्सर बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं ना, देखा हुआ आपने किसी के घर में लेंटर वेंटर डल रहा है तो देखा है ना वो इस तरह से जो घूमता है, तो उसमें ना वॉल मेल्स वगैरह यूज होती है, वैसा वैसा एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उस पूरे पूरे ओर को डाल दिया गया दिया जाता है, जो अर्थ के क्रस्ट से क्या करा हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसको डाल दिया, वो इस तरह से फटाफट फास्टली घूमेंगे और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसको ग्राइंड कर देगा, उसको क्रश कर देगा, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, राइट? इज इट राइट? यस मैम। सो दैट इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ दैट ओर। सेकंड वन में देखिए, द सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज व्हाट, आपसे पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो लिखिए the process of removal of unwanted impurities from the ore is called ore concentration or beneficiation of the ore, the process of removal of impurities और those impurities are known as what, cangue or matrix, those impurities are known as cangue or matrix from the ore is called ore concentration या ore beneficiation या फिर ore dressing, और क्या कह सकते हैं हम उसको, ये दो चीजें तो लिख दी हैं हमने, ओर कॉन्सेंट्रेशन और ओर बेनिफेक्शन। वन मोर थिंग दैट इज ओर ओर प्रेसिंग, ठीक है। क्लियर? यस मैम। सो द डिफरेंट method we can use for this, the first one is hand picking, समझ आ गया, hand picking वाला method, इसको मैं अब discuss नहीं करूंगी, the one method for the concentration of ore is used, that is hand picking method, the second one is gravity separation or levigation, the first method which is used is hand picking, the second one is
ग्रेविटी सेपरेशन और नेविगेशन. It's also known as levitation. जो हमने अभी हाइड्रोलिक वॉशिंग की बात की थी उसमें उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन की. अगर इम्प्योरिटीज और ओर्स की जो ग्रेविटी है वो अलग अलग हो, मतलब उनका भार अलग हो, तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं. जैसा हमने बोला कि चावल में धान के छिलके हो तो धान के छिलके कैसे होंगे, लाइटर होंगे दैन वो जो आपके पास चावल है उनके जो सीड्स है उनसे. तो वहां पे क्या होगा, जब आप पानी वानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लाइटर इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाएंगे, उनको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे आपके उस ओर में से. क्लियर है? तो लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ मेटालिक ओर्स एंड गैंगुए पार्टिकल्स. This method is used, or this method is based on the differences in the specific gravities of metallic ores and gangue particles. So in this method, the ore particles are generally heavier than the gangue particles. Ore particles are heavier than the gangue particles. In this method, the powdered ore, जो आपने first step में किया था, ore को क्या कर दिया था, powdered form में convert कर दिया था. So that powdered ore is fed into a stream of running water. Powdered ore is fed into the stream of running water. Due to which the lighter impurities will be removed. So आपकी lighter impurities होंगी वो क्या हो जाएंगी, remove हो जाएंगी. बट दिस मेथड जो है वो अगर आपने थोड़ा कम ओर है आपके पास, कमर्शियल स्केल पे आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ज्यादा नहीं आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, थोड़ा क्वांटिटी है, तो वहां पे आप इस मेथड को क्या करते हैं, यूज कर. राइट, फर्दर इसके टाइप्स हम कल करेंगे. क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर.